स्टडी वीजा के मुद्दे से मैं बनागा थोड़ी आवाज कंसल्टेंट पूछांगे सीधे सवाल ते तुहानू मिलणगे थोड़े सवालों के जवाब। सत श्री अकाल, स्वागत है जी सारिया का। वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने कैनेडा फाइल लगाई सी ते किसी वजह करके उन्होंने कैनेडा तो रिफ्यूजल मिली है, वो हुण अगे की करन। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से स्टूडेंट्स सब तो ज़्यादा ये सवाल पूछ रहे हैं, केड़ियां गलतियां ना करन, सही कोर्स ऑफ एक्शन उन्हां वास्ते की रहेगा। अज दे शो दे विच साढ़े एक्सपर्ट्स तो समझण की कोशिश करांगे। साढ़े नाल मौजूद ने ब्रॉडवे इमीग्रेशन दे सीनियर कंसल्टेंट जगप्रीत सिंह जी, स्वागत है जी। थैंक यू दीपक। सो जगप्रीत जी, रिफ्यूज्ड स्टूडेंट्स जिहड़े ने नॉर्मली की गलतियां कर रहे ने ते की उन्हां नूं करना चाहीदा? देखो दीपक जी, एट प्रेजेंट अगर कैनेडा दे रिजल्ट्स दी गल करिए और उहदी क्वालिटेटिव एनालिसिस करिए, क्वांटिटेटिवली ते आपां गलबात करदे रहिंदे आ वी रिजल्ट इन्ने आ गए, इन्ने स्टार्ट हो गए, इन्नी स्पीड फड़ ली। क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू नाल गल करिए तां रिजल्ट्स एट प्रेजेंट एसटीएस प्रायोरिटी क्लास ही लैनी जा रही है। सो जिहदे विच एप्लीकेशनस दे विच स्टूडेंट नूं वीजा ग्रांट हो रहा है, जिहड़े स्टूडेंट्स दे एप्लीकेशन रिफ्यूज है, बेसिकली उह हुण उहनां दा सवाल इह हैगा कि उह हुण फर्दर उहनां दा की एक्शन प्लान होना चाहिए। समहाउ अगर किसी एप्लीकेंट की जी एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज्ड है तो सब तो पहला उसके हर एक पॉइंट ऑफ व्यू के नाल उसके फैक्टर्स के उत्ते एस्पेक्ट्स के उत्ते जिहड़े भी रोल प्लेइंग है उन्होंने कंसीडर करना चाहिए, जिहदे विच मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए भी एसटीएस नॉन एसटीएस एप्लीकेशन रिजैक्शन ने। सो अगर मैं गल करा सितंबर इनटेक की भी, जिहदे विच स्टूडेंट्स ने नॉन एसटीएस एप्लीकेशन लाइया, उस तो बाद जनवरी लिए भी प्रोसीड हुए, तो जिहड़ी एप्लीकेशन नॉन एस डी एस तो बाद एस डी एस कन्वर्ट हो गई, यानी कि रीलॉज कर लगे स्टूडेंट ने 6 ईच करके फाइल्स लॉज कीतियां, उत्थे स्टूडेंट नूं दोबारा जिहड़ा वो वीज़ा ग्रांट होया। सो दिस मीनस कि अगर थोड़ी एप्लीकेशन रिफ्यूज्ड है, तुसी एक रेलेवेंट प्रोग्राम लिया, थोड़ी परसेंटेज ठीक है, गैप ईयर है तो वैल जस्टिफाइड है, विदाउट गैप कर रहे हो तो अगर तुसी एक मॉड्यूल 5.5 या पी टी ई दे नाल लाई है तो सारे स्टूडेंट एप्लीकेशन नूं दोबारा जिहड़ा अप्लाई कर सकते हैं, बट कंडीशन के आयल्स 6 ईच दे नाल। सो उत्थे उन्हां दे कोल वीज़ा चांसिस जिहड़े उह दोबारा रहणगे। सैकेंड सैगमेंट आउंदा है दीपक जी इहदे विच स्टूडेंट्स दा कि जिहड़े स्टूडेंट एस डी एस है, सो इतने भी कन्फ्यूजन हैगी है, स्टूडेंट कई जगह पर लग रहा है जी 6 ईच है तो हूँ मेरा वीज़ा ग्रांटिड है, इट्स नॉट लाइक दैट। ये प्रोफाइल के उत्ते प्रोग्राम की सिलैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह पर मैं देखिया कि एक नॉन रेलीवेंट फील्ड के अपलाई करते स्टूडेंट 6 ईच के नाल भी रिफ्यूज है। सो वो भी स्टूडेंट दोबारा रीलॉज कर सकता है, अपने प्रोग्राम को चेंज करके अपने ट्रेड को दोबारा जस्टिफाई करके एक रेलीवेंसी के नाल और अकैडमिक प्रोग्रेशन के नाल। थर्ड सैगमेंट है दीपक जी नॉन एस टी एस का मेजर सबजेक्ट सैगमेंट है जिहड़ा पी टी ई दे नाल अप्लाई करता है। हुण इत्थे ओह स्टूडेंट किहड़े ने जिन्होंने 4 वारी 5 वारी अपना आयल्स का एग्जाम देता, किसी एक च 5 रह जाते हैं या एक च 5.5 रह जाते, उन्होंने आयल्स इंप्रूव ही नहीं हो रहा पा रहा, 4-5 वारी टैसट देता पी टी करते हैं तो उत्थे फिर उन्होंने कोल स्टूडेंट्स के कोल स्कोर वधिया ने। इस स्टूडेंट्स नूं मैं एडवाइस करांगे कि अगर थोड़ी एक रिफ्यूजल है या 2 रिफ्यूजल नॉर्मली मैं देखे है तो इस स्टूडेंट्स नूं एट प्रेजेंट कंट्री स्विच करन दी जरूरत है। सो अगर तुसी 20 पास आउट हो, 21 पास आउट हो, 60% ईच है, 60% ओवरऑल थोड़े ने 65% है, तो ऑस्ट्रेलिया इन्हां सारे स्टूडेंट्स के लिए पी टी ई दे नाल एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है। Somehow, तुहाडे ईच सबजैक्ट 60 नहीं है, तुहाडी परसेंटेज घट है, 19 पास आउट हो, 18 पास आउट हो, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के बजाय ये स्टूडेंट्स यूके दे विच अप्लाई कर सकते और अपनी एप्लीकेशन ते वीजा सक्सेस जिहड़ा उह अचीव कर। इनटेक किहड़ा रहना चाहिए दीपक जी? इतने हम इनटेक की गल करिए मेजर की जो भी 22 का हम सैकेंड जो भी एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है वो हर एक कंट्री के जुलाई सपटेंबर इनटेक अवेलेबल। सो स्टूडेंट्स, रीअप्लाई करन तो पहला इन सारिया गलों का तुसी जरूर ध्यान रखो ते चैनल नू जरूर सबसक्राइब करके रखो, क्योंकि यह जे लेटेस्ट वीडियोज़ एनालिसिस थोड़े तक असी लैके पहुँचते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। स्टडी वीज़ा के मुद्दे पर मैं बनागा थोड़ी आवाज़ कंसल्टेंट पूछांगे सीधे सवाल ते तुहानू मिलणगे थोड़े सवालों के जवाब।